बारिश के चलते हर तरफ पानी ही पानी है। कहीं रास्तों में लोग फंसे हुए हैं तो कहीं सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें बुलंदशहर के गुलावठी अकबरपुर झोजा मार्ग से सामने आई हैं, जहां रेलवे अंडरपास में लबालब पानी भरा होने से स्कूल बस पानी में फंस गई है। इसके चलते बच्चे एक घंटे तक बस में फंसे रहे। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने बच्चों को गोद में उठाकर पानी से बाहर निकाला, वहीं बड़े बच्चों ने किस तरह गंदे पानी को पार किया। इस बारे में बस चालक का कहना है कि हर बार यहां पानी भर जाता है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिशंबर सिंह। अच्छा, आप ये बस आप चला के लाए थे स्कूल की? हाँ जी। ये किस तरह से फंसी है यहाँ, क्या कारण से? अंडरपास से पानी भर रहता है जी। आए दिन मोड़ को जाते हैं, उधर फाटक पर लिफ्टर रहते हैं। तो ये स्कूल बस है जी। अभी आप कहाँ से लेके आ रहे थे? स्कूल से। कहाँ छोड़ने जा रहे थे? अकबर। बच्चे थे इसमें जी? बच्चे कहाँ गए? पैदल चले गए उतर के। अच्छा, निकाल दिया गया। अभी मतलब ये निकल पाने की हालत में है या नहीं निकल पाएगी? निकल जाएगी। किस तरह से अभी अटक के रोकी हुई है? फिर आपने बच्चों को घर तक क्यों नहीं छोड़ा अगर ये निकल जाएगी? ट्रैक्टर द्वारा खींचेगी। अभी खुद से नहीं निकाली जा सकती? नहीं। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह बस को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। लोगों को रास्ता पार करने के लिए जान जोखिम में डालकर रेलवे क्रॉसिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन बारिश से निपटने के लिए लाख दावे कर ले, लेकिन इस तरह की तस्वीरें प्रशासन के दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट।